चलिए बच्चे, आज हम लोग क्लास टेंथ की एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चन पेपर अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में आया था। इसमें मैं खंड अ का जो बहुविकल्पीय सेक्शन होता है उसमें से मैं 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 6x² - vx + 2 = 0 का विविधीकर 1 हो तो b का मान क्या होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इसमें से टिक मानना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, एक द्विघात समीकरण दिया है और उसका विविधीकर 1 दे है, तो b का मान पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, द्विघात समीकरण का विविधीकर होता क्या है। तो द्विघात समीकरण का विविधीकर इंग्लिश में जिसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, और डिस्क्रिमिनेंट की अल्फाबेट स्टार्ट हो रहा है डी से, इसलिए विविधीकर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या करना है, पहले आपको डी इक्वल्स टू b² - 4ac, ठीक है। आप क्या करोगे, इस समीकरण में से बी ए और सी का मान निकालना है। वो कैसे निकालते हैं उसको ध्यान से समझिएगा। इस समीकरण का जो द्विघात समीकरण का जो सामान्य सूत्र होता है उसको पहले लिख लीजिए, ax² + bx + c = 0। अब ये दोनों को कंपेयर करना है, x² के सामने a है तो x² के सामने 6 है, तो a = कितना हुआ, 6। अब b = कितना होगा, -b। अब c = कितना होगा, 2। ये आपको समझ में आ गया। अब ये तीनों का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। तो देखिए, पहले तो d की मान कितना दिया है, 1, तो d के जगह में 1 रख लीजिए। b की वैल्यू कितना है, यहाँ पे b की वैल्यू -b, तो -b² फिर 4 × a का मान कितना है, 6 है, और c का मान कितना है, 2 है। अब 1 = -b² मतलब b² हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पावर स्क्वायर जब भी होते हैं वो पॉजिटिव में होंगे, सम संख्या होंगे। तो और ये आपका -40 कितना हो रहा है, 8, ठीक। अब -40 इधर आएंगे तो कितने हो जाएंगे, 49, ये प्लस और 1 ऐड होंगे तो 49। 49 = क्या आया आपका, b², तो b = कितने हो जाएंगे, √49। अब √49 मीन्स ±7। तो यहाँ पे जहाँ पे ऑप्शन आपका ±7 है उसी को आपको टिक मानना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, तो सी को आपको टिक मानना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है px² - √5px + 15 = 0। एक द्विघात समीकरण दिया है और क्या बोल रहा है, इसकी दो मूल समान है तो p का मान ज्ञात करना है। दो मूल समान है, p कितना होगा पूछ रहा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपका कॉन्सेप्ट क्या क्लियर होना चाहिए, किसी भी द्विघात समीकरण का दो मूल जब बराबर होता है उसके लिए क्या कंडीशन होता है। तो दो बराबर मूल जब होता है उसके लिए क्या होता है आपका, b² - 4ac = 0, ठीक। आप यहाँ पे क्या करोगे, इस समीकरण में से पहले a, b, c का मान निकालना है। तो a का मान क्या हो जाएगा, p, और b का मान हो जाएगा आपका -√5p, दूसरा c का मान हो जाएगा आपका 15, ठीक। आप a, b, c मान इसमें रख दीजिए, तो b के जगह में कितना रखोगे आप, -√5p² -4 × a का मान p, c का मान 15 = 0, ठीक। अब इसमें से p की मान निकालना है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, -p² 2 है मतलब ये पॉजिटिव साइन हो जाएंगे, 2√5 कितने हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा 20p² कैसे आया मैं दिखा देता हूँ। ये दोनों को दो बार मल्टीपल कर लीजिए, -, -, +, 2 × 4, √5 मिलकर √25 मीन्स 5, तो कितना आया 20, वही चीज़ मैं लिखा। अब ये कितने हो जाएंगे आपका,
माइनस 60p इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, 20p स्क्वायर ये इधर जाएंगे तो 60p हो जाएंगे। अब एक पी काट जाएंगे तो पी बचेगा, पी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60y20, ये कटोगे तो 3, तो पी की वैल्यू कितना आया 3। 3 ऑप्शन को आपको टिक मानना है। ठीक, इसके बाद और एक क्वेश्चन लिया हूँ मैं, एक एपी दिया है क्या, के प्लस 9 2k माइनस 1 और एक है 2k प्लस 7, एक एपी है। इस एपी में क्या बोल रहा है, पी का मान ज्ञात करना है, पी कितना होगा। चार ऑप्शन है, क्या क्या है, ऑप्शन में है आपका 15, 17, 18, 19। ठीक, तो जब एपी दिया है आपको, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट से आपको चलना है, एपी की कॉमन डिफरेंस से चलना है। ये पहला टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। ठीक है, तो हम लोग कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, डी वन कैसे निकलेंगे, ए टू माइनस ए वन, और डी टू कैसे निकालेंगे हम लोग, ए थ्री माइनस ए टू, यहाँ पे ये वन हो। ठीक, अब देखो ए टू मीन्स कौन है, 2k माइनस 1 और उसमें से माइनस किसको करोगे, k प्लस 9 को। ठीक, अब इसमें आप क्या करोगे, 2k प्लस 7 मतलब ए थ्री, उसमें से माइनस करेंगे ए टू को, 2k माइनस 1, इतना दोस्तों तो समझ में आ गया। अब क्या करोगे, कॉमन डिफरेंस को इक्वल कर दो, क्योंकि ए पी का कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, ये दोनों को इक्वल करना है, तो ये दोनों को इक्वल करना है, तो क्या है, इसको सिंपलीफाई करके इक्वल कर देते हैं, 2k माइनस 1 ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस के माइनस प्लस माइनस 9। ठीक है, ये इतना हो गया, इसके साथ किसको इक्वल करोगे, इसको, तो ये 2k प्लस 7 ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस 2k माइनस 7 से प्लस 1, इतना तो समझ में आ गया। आप इसको सिंपलीफाई करके k का मान निकाल लीजिए, 2k में से k गया, k माइनस 1 माइनस 9 कितने हो जाएंगे, माइनस 10, 2k और 2k कैंसिल आउट, 7 और 1 मिलके कितना हो गया 8, अब k इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, क्यों, क्योंकि माइनस 10 इधर जाएंगे तो प्लस 10 और 8 मिलके 18, तो 18 ऑप्शन को आपको टिक मानना है। इसके बाद और एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्या है क्वेश्चन, एक एपी है जिसमें a कितना दिया है 5, एल दिया है 45। ठीक, और क्या दिया है आपको, एस एन दिया है 400, और डी पूछ रहा है एन कितना होगा, डी कितना होगा। ठीक, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कौन सी फॉर्मूला पहले लगाना है, एस एन वाली, एस एन बराबर यहाँ पे कौन फॉर्मूला लगाओगे, प्रथम पद और लास्ट पद है तो एन बाई टू ए प्लस एल, ए वाली फॉर्मूला लगाओगे तो आ जाएगा, तो एस एन की वैल्यू दिया है 400 रख दो, एन हमको निकालना है, एन बाई टू ए की मान 5 है, एल की मान 45, तो 5 प्लस 45। ठीक, अब ये कितने हो जाएंगे, 400 एन बाई टू ये कितना हो जाएगा 50, तो ये काटोगे तो 25, अब ए निकल्स टू कितना होगा 400 अपॉन 25, तो ये काटोगे तो 16, तो एन की वैल्यू कितना आ गया 16 हो गया। अब डी की वैल्यू निकालना है, तो डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, ए एन वाली फार्मूला लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब ए एन यहाँ पे इसको मानना है, तो 400 को एन के जगह में, सॉरी एन के जगह में जो लास्ट टर्म है 45 रख दो। अब ए का मान 5 है प्लस एन ऑलरेडी आ चुका है 16-1 15d। क्लियर। अब 5 इधर जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 40 इक्वल्स टू 15d, तो d इक्वल्स टू कितना होगा 14/15। तो इसको 5 से काटोगे तो 3 और 8, तो कितना आया 8/3। तो आपको जहाँ पे ऑप्शन 16, 8/3 दिखेगा उसी को टिक मानना है। तो इस क्वेश्चन में पहला ऑप्शन है यही है, तो उसको आपको टिक करना है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैं आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किया हूँ ये आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा।